मोदी सरकार के सामने जब विपक्ष मुद्दों पर नहीं जीत पाया तो अब अफवाहों का सहारा ले लोगों को मोदी के खिलाफ दिग्भ्रमित कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ यूं तो विपक्ष ने कई अफवाहें फैलाया, लेकिन आइए उनमें से कुछ अफवाहों की हकीकत हम आपको बताते हैं जो आपको भयमुक्त करेगा और मोदी सरकार के लिए आपका सम्मान बढ़ाएगा। पहला, विपक्ष ने अफवाह उड़ाया कि मोदी सरकार ने लाल किला को बेच दिया है। हकीकत, लाल किले के खूबसूरती और रख रखाव के लिए मोदी सरकार ने डालमिया ग्रुप के साथ 5 साल का करार किया है। 5 साल के लिए डालमिया ग्रुप को 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा। डालमिया ग्रुप पर्यटकों के लिए लाल किले को सजा रही है, जिससे लाल किले देखने आने वाले पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी हो। दूसरा, FRDI बिल को लेकर बताया गया कि बैंकों में रखा आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन हकीकत में बैंकों में रखा आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक बिना आपकी आज्ञा का आपका पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरा, ये अफवाह भी उड़ाया गया कि मनमोहन सरकार जिस रेलवे भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए 40 रुपया लेती थी, मोदी सरकार उसका 500 रुपया लेती है। हकीकत में मोदी सरकार 500 रुपया इसलिए लेती है क्योंकि कुछ लोग परीक्षा का फॉर्म भर परीक्षा में शामिल नहीं होते थे। भारत सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में काफी सारे पैसे खर्च करती है। परीक्षा के बाद सरकार 400 रुपये सभी परीक्षार्थियों को वापस कर देती है। ऐसा करने से अब जो लोग फॉर्म भरते हैं वो परीक्षा में भी शामिल होते हैं। चौथा, नोटबंदी के दौरान ये अफवाह भी विपक्ष ने फैलाया कि मोदी सरकार अब सोने को जब्त करेगी और उसे लोहा घोषित करेगी। हकीकत में सरकार का ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था। तेजी से फैलते अफवाह के बीच आखिरकार मोदी सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी। पांचवा, नोटबंदी के दौरान ही ये भी अफवाह जोर शोर से फैलाया गया कि मोदी सरकार जल्द ही अब 2000 का नोट बंद कर देगी। हकीकत में तेजी से फैलती अफवाहों के बीच सरकार को इस पर भी सफाई देनी पड़ी और साफ किया कि 2000 के नोट को बंद करने का उनका कोई प्लान नहीं है।